चाहता हूँ। जोर है। पीना चाहूँ। जोर है। पीना चाहूँ। जोर है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापे के दौरान मिले नोटों के पहाड़ से भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे में गुरुग्राम में भी अग्रवाल धर्मशाला के नजदीक भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर धीरज साहू का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा जिला अध्यक्षा गार्गी कक्कड़ ने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई का पैसा ये कांग्रेसी नेता लूट कर बैठे हैं, जो कि देशद्रोह है और इसकी सजा भी जनता ही इन्हें देगी। आज प्रदर्शन करने का उद्देश्य भी यही है कि इन कांग्रेसियों के काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने आए। इस अवसर पर अरविंद कोहली, मनीष गढ़ोली, अजीत यादव, जयवीर यादव, अनिल यादव, सुमित कपूर, विजय परमार, जितेंद्र कुमार समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारा देश जान रहा है, देश के साथ साथ पूरा विश्व आज देख रहा है धीरज साहू ने जो काम किए हैं। लगातार मशीनें गिन गिन के थक गई, खराब होने लग गई, बाहर से मशीनें मंगाने का सिलसिला जारी करना पड़ेगा क्योंकि 300 करोड़ अभी तक पकड़े गए हैं। आने वाले समय में ऐसा अंदाजा है कि इससे कहीं डबल मिलने की संभावना है और ये पैसा हर नागरिक को सोचना चाहिए कि ये पैसा देश का पैसा है, आम जनमानस का पैसा है, आने वाली पीढ़ी का पैसा है जो इन्होंने अपनी पुश्तों को संभालने के लिए, अपनी सात पीढ़ियों को खिलाने के लिए संभाल के रखा है। अब ये तो यही बताएंगे कि पैसा कांग्रेस के माई बाप का है या इनका पैसा है। और ये देश के साथ जो गद्दारी करने वाले लोग हैं, इसको जनता देख रही है और जनता को इनको सजा पहले भी दी है और आगे भी इनको सजा देगी। देखिए, सजा होना ये तो आपने देखा होगा, पार्टी के अलावा और भी, पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा और भी लोग इसके अंदर सम्मिलित हुए हैं। आज जन आक्रोश है, ये एक तरीका होता है अपने अपना विरोध दर्ज कराने का। ये इस शहर का विरोध दर्ज था, इस जिले का विरोध दर्ज था, जिसके माध्यम से हमारी बात ऊपर हाईकमान तक जाएगी और देश की जनता इसे जान रही है। कुछ लोग अखबार नहीं पढ़ते, आज सोशल मीडिया देखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे, तो एक देश के अंदर जिन लोगों को नहीं पता लग पा रहा उनको भी पता लगेगा, वो भी विरोध में उतरेंगे।